इस शकरकंदी के हलवे को आप व्रत में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। बनाना आसान है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, तो बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। अगर आपको मेरी जरा सी भी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 किलो शकरकंदी को 3-4 बार पानी से धो लिया है। तो यहाँ पे हमारी तरफ इस तरह के शकरकंदी मिलती है, तो इसको अभी हम बॉईल कर लेंगे। शकरकंदी को हमने बॉईल करके उसका छिलटा भी उतार लिया है, तो अभी हम इसको करेंगे मैश। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो इसको मैं मैश कर रही हूँ। अच्छा सा हमें इसको मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैश हो चुका है, तो अभी हम इसका बनाएंगे हलवा। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और घी के गर्म होते ही हम ये शकरकंदी इसमें डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म कर लेना है हमें। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भून लिया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी डालेंगे दूध। मलाई के साथ में डाल रही हूँ दूध को। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा सा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो हलवा देख सकते हैं अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है, तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छा थिक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। हलवा अच्छी तरीके से पक के गाढ़ा हो चुका है। इसमें डाल देंगे कुटा हुआ इलायची का पाउडर और दूध में भिगोया हुआ, मैंने यहाँ पे रेड येलो फूड कलर डाला है, और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इनको अच्छा सा हमें मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ये शकरकंदी का हलवा बन के रेडी हो गया है। तो गैस को कर देंगे अभी हम बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप चाहे इसे व्रत में खाइए या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइए, और बनाने के बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।